दोस्तों आज के हुए स्मैकडाउन के एपिसोड में जो भाई कुछ दिनों पहले अलग हो गए थे आज वही दोनों भाई मिलकर रोमन रेंस को खून के आंसू रुला दिए। यहां तक कि दी उसो सोलो सिक्वा की भी जमकर कुटाई करी। दोस्तों आज के हुए स्मैकडाउन में सबसे पहले रोमन रेंस और सोलो सिक्वा एंट्री करे और जैसे ही रोमन रेंस सभी फैंस को एक्नॉलेज में कहा तभी जे उसो अचानक से रिंग में आ गए और सभी WWE फैंस से कहा कि मैं जानता हूं कि आप सब यही जानना चाहते हैं कि मैं अभी भी ब्लड लाइन के साथ हूं या फिर नहीं। इसके बाद जे उसो ने रोमन रेंस को कहा कि रोमन आज तुझे मुझे या फिर पॉल हेमन में से किसी एक को चुनना होगा और रोमन रेंस इन सारी बातों को सुनकर काफी हंसने लगे। इसके बाद जिमी उसो एंट्री करते हुए कहा रोमन प्रॉब्लम जे उसो नहीं बल्कि तू है और तू जे उसो को अगला ट्रैवल चिप बनाने के नाम पर सिर्फ उसका इस्तेमाल कर रहा है। इसके बाद जे उसो ने जिमी को कहा कि अब हम ब्लड लाइन से बाहर हैं। इतना कहते ही जे उसो ने ट्रैवल चीफ को एक सुपर किक लगाकर उसे ढेर कर दिया। ये सब देखकर सोलो सिक्वा के पिछवाड़े में आग लग गई और वो दी उसोस पर जैसे ही हमला करने गए वैसे ही जिमी उसो ने सोलो सिक्वा को एक सुपर किक दे मारी। यहाँ तक कि दोनों भाइयों ने डबल डबल सुपर किक देकर सोलो सिक्वा को रिंग से बाहर कर दिया। इसके बाद दोनों भाइयों ने मिलकर डबल डबल सुपर किक देकर रोमन रेंस को भी वहीं पर सुला दिए। अब ये सब कुछ होने के बाद तो ये कन्फर्म है कि आने वाले दिनों में रोमन रेंस एंड सोलो सिक्वा वर्सेस जे उसो और जिमी उसो के बीच एक सिंगल मैच देखने को मिलेगा।